पूरे देश भर में लगातार बारिश हो रही है, और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का भी जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जो हमारी NDRF है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पूरे भारत में NDRF की बहुत सारी टीमें डिप्लॉय हैं, और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को किया जा रहा है इस वक्त, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं NDRF के DG अतुल करवाल। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, देख रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है पूरे देश भर में, लेकिन NDRF की जो टीम है वो जो बहती हुई नदियां या बहता हुआ पानी है उसमें भी रास्ता बनाकर लोगों की रक्षा कर रही है, और NDRF की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में है। सर, कितनी टीमें हैं और किस तरह से पूरा काम किया जा रहा है? आज की तारीख में 28 राज्यों में हमारी टीमें तैनात हैं। कुल 141 टीमें उसमें इन राज्यों में तैनात हैं, जिनमें मुख्यतः वो राज्य हैं जहाँ बारिश का प्रकोप ज़्यादा है। जैसे कि पंजाब में हमारी 14 टीमें हैं, हिमाचल में 12 टीमें हैं, उत्तराखंड में 8 हैं, हरियाणा में 5 हैं। इसके सिवा इन राज्यों के आसपास जो बटालियंस तैनात हैं उनमें रिजर्व टीम भी उपलब्ध है। तो स्थिति अगर पहले से ख़राब होती है तो हमारे पास 100 टीमें मुहैया हैं जो राज्य की डिमांड पे हम उनको अवेलेबल कर पाएंगे। तमाम राज्यों के कंट्रोल रूम से, उनके उच्च अधिकारियों से, चीफ सेक्रेटरी से लेकर DG साहबों से लेकर हम उनसे कॉन्स्टेंट संपर्क में हैं। जैसी स्थिति डेवलप होती है बिना किसी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के टीमें उनको अवेलेबल कर दी जाती हैं। सर, जिस तरह से इस बार बारिश को कहा जा रहा है कि कई कई सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है, दिल्ली में कहा जा रहा है पिछले 40 से 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, इसी तरह अगर हम पूरे भारत की बात करें तो बारिश बहुत ज़्यादा बेतहाशा हो रही है, और पीछे के अगर हम लगातार दिनों की बात करें तो तेज़ बारिश हो रही है। हालांकि आज दिल्ली में उतनी बारिश नहीं है, लेकिन हथनी कुंज बैराज से 1 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी छोड़ा गया है, तो ऐसे में यमुना स्तर के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए वहाँ पर सर कितनी टीमें डिप्लॉय हैं? दिल्ली में हमारे पास काफ़ी जगह टीमें अवेलेबल हैं। दिल्ली में 2 बटालियन भी तैनात हैं, गाज़ियाबाद में एक पूरी बटालियन है, 1 बटालियन हमारे पास द्वारका में है। तो कुल मिला के इनकी 36 टीमें तो ये हो जाती हैं। तो अलग अलग जगह टीमों को तैनात रखा है अभी हमने, और यमुना के स्तर को हम वॉच कर रहे हैं, कहीं भी पानी प्रवेश करेगा तो NDRF की टीम वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा सर, अगर हम दिल्ली से बाहर निकलते हैं, हरियाणा जाते हैं, या फिर हम हिमाचल की बात करें, तो हिमाचल में भी सर पानी बहुत ज़्यादा, तस्वीरें जो हैं वो बहुत भयावह हैं। जो ब्रिजेस बने हुए हैं या सड़कें हैं वो लगातार टूट रही हैं। कुल्लू मनाली वाला जो पूरा रूट है हाईवे, सर वहाँ पे भी पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि सड़कें लगातार टूट रही हैं, बहुत डरावनी स्थिति है। तो वहाँ पे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी? हमारा संपर्क सिर्फ उच्च स्तर से नहीं है, ज़िला लेवल पर भी संपर्क है। मेरी खुद बात हुई है SP कुल्लू जो साक्षी हैं। कुल्लू और मनाली के बीच का रोड लिंक डिस्टर्ब हुआ है, और कुल्लू और मंडी के बीच का भी रोड लिंक डिस्टर्ब्ड है, तो हम कांटेक्ट में हैं। मनाली में कुछ लोगों के फंसने की खबर थी, लेकिन उनको निकाल लिया गया है, और अगर हो पाएगा, ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एयरफोर्स के मार्फत अपनी टीमों को मनाली तक पहुंचा देंगे। सर, जैसे आपने एयरफोर्स का जिक्र किया कि इसमें आर्मी की भी टीमें डिप्लॉय हैं, क्योंकि अभी खबर भी आ रही है कि आर्मी की भी टीमें लगी हुई हैं, तो कितना सहयोग से काम हो रहा है ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन? स्टेट गवर्नमेंट को जब ज़रूरत पड़ती है आर्मी को वो कॉल करती हैं इस तरह के डिज़ास्टर में हेल्प के लिए, और NDRF उनके साथ संपर्क में रहती है। हम पीस टाइम में NDRF, एयरफोर्स, आर्मी वाले मिलकर एक्सरसाइज भी करते हैं, ताकि ऐसे मौके पे आपस की समझ हो और आपस का कोऑर्डिनेशन बरकरार रहे। सर, एक चीज़ हम समझना चाहते हैं, जैसे हम उत्तर भारत की पूरी तस्वीर देख रहे हैं, बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो भी गई है, बहुत सारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भूस्खलन की भी बहुत सारी समस्या आ रही है, तो और वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो उसको लेकर सर कैसी तैयारियाँ हैं? जैसे बिफोर जॉय के टाइम हमने देखा था कि NDRF की इतनी मजबूत तैयारी थी, कई कई किलोमीटर तक पूरे इलाके को खाली कराया गया और जानमान की हानि नहीं हुई, तो ऐसे में क्या तैयारियाँ? दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में हमारी हाज़िरी भी है, टीमें फ्लड के लिए डिप्लॉयड भी हैं, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, केरला में है, इन सब राज्यों में भी टीमें हमारी उपलब्ध हैं। तो जहाँ जहाँ बारिश का प्रकोप है या जहाँ एक फोरकास्ट है कि हैवी रेनफॉल होने से वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाएगी या इनंडेशन होगा, तो वहाँ पर टीमें पहले से वहाँ उपलब्ध की गई हैं। सर, एक सवाल मैं और समझना चाह रही हूँ, जैसे आपने बताया कि उधर फ्लड की अगर स्थिति होती है तो उसको लेकर तैयारी है, हम उत्तर भारत की भी सर तस्वीरें देख रहे हैं, फ्लड वाली स्थिति बनी हुई है। राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पर जैसे तस्वीरें आ रही हैं, पानी बहुत अंदर तक घुस गया है, तो उसको लेकर सर कैसी तैयारी, क्योंकि राजस्थान से भी सर अजमेर से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं, वहाँ भी हमारी टीमें अवेलेबल हैं। तो हम लोग दो तरह की चीज़ें करते हैं, एक तो सेंट्रल वाटर कमीशन, जैसा आपने कहा कि बैराज से पानी छोड़ा गया है, और IMD की जो फोरकास्ट है रेन की, उसको हम मिलके देखते हैं कि इस दोनों के कारण कितना पानी कहाँ इकट्ठा होना मुमकिन है।
फोरकास्ट हो पाता है तो हम टीमों को पहले से उस जगह पे अवेलेबल कर देते हैं ताकि डिजास्टर स्ट्राइक हो उससे पहले हमारी टीम वहाँ अवेलेबल हो। कई बार स्टेट गवर्नमेंट इसका अनुमान लगाती है, हमसे टीम का रिक्वेस्ट करती है, तो एक कांस्टेंट संपर्क रहता है कि जैसी उनकी रिक्विजिशन आती है टीमें इमीजिएटली रवाना होती हैं, और जहां मुमकिन होता है और पहले से ख्याल होता है कि यहां दिक्कत होने की पॉसिबिलिटी है या भूतकाल में हुआ है इतनी बारिश पर यहां पानी इकट्ठा होगा, तो वहां टीम हम पहले से तैनात कर देते हैं। सर क्या कुछ जो टीमें ग्राउंड पे हैं वो काम करनी है, लेकिन क्या कुछ एक्स्ट्रा जैसे कह सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा टीमें रखी गई हैं, ऐसा भी कुछ प्लान किया है एनडीआरएफ में? हाँ, और इसमें ऐसा नहीं रहता कि जो बटालियन जहाँ तैनात है उस राज्य की पूरी देखरेख वही करेगी। जैसे पंजाब में हमने टीमें उस बटालियन से भेजी हैं जो जम्मू एंड कश्मीर देख रहा है, जबकि उनके लोकेशन लाडोवाल में, वहाँ से टीमें तैनात हुई हैं। इसी तरह जो बटालियन हिमाचल देख रही है उसकी टीमें पंजाब के उस एरिया के पास थी, तो वहाँ से टीमें हमने मुहैया करवाई हैं। तो ये रिसोर्सेज जो हैं तमाम बटालियन से अवेलेबल भी होते हैं और रिजर्व में अधिक टीमें उपलब्ध रहती हैं, कहीं से भी हम बाय रोड या बाय एयरलिफ्ट करके उनको पहुँचाते हैं। सर मीटिंग भी लगातार हो रही है, होम मिनिस्ट्री ने भी मीटिंग की है, अमित शाह गृह मंत्री उन्होंने मीटिंग की है, एलजी से भी संपर्क किया है, तो सर आप लोगों का एक कोऑर्डिनेशन पूरा बना हुआ है, मीटिंग का दौर भी जारी है और ग्राउंड पे भी काम हो रहा है? हाँ, ये हैंड्स ऑन रहता है बिल्कुल, हर एक स्थिति को जैसे वो डेवलप होती है हम देखते रहते हैं और एजेंसी से संपर्क में रहते हैं ताकि इमीडिएट रिस्पॉन्स हो, उसमें कोई देरी ना हो पाए। लोगों से सर TV9 के माध्यम से आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि बारिश का तो हम देख रहे हैं कि जल स्तर लगातार हर जगह का बढ़ रहा है और ग्राउंड पे एनडीआरएफ की टीम मजबूती से खड़ी हुई है ताकि किसी भी नागरिक को हताहत ना हो, कोई भी जानमान की हानि ना हो। TV9 के माध्यम से सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अपना IMD का फोरकास्ट भी देखते रहें, उनके एरिया में कितनी बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, बिना किसी कारण से कोई मूवमेंट ना करें, किसी वाहन में जा रहे हों जहाँ पानी का ऑलरेडी एक वाटर लॉगिंग हुआ है वहाँ पे फंस जाने की पॉसिबिलिटी हो, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अननेसेसरी मूवमेंट ना करें, और कुछ भी दिक्कत हो तो स्टेट कंट्रोल रूम को जान करें, उनके मार्फत हम आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। सर जैसे हमने देखा था बिपरजोया में आप लोगों ने एक कंट्रोल रूम पूरा बनाया हुआ था और यहाँ दिल्ली में भी कंट्रोल रूम था, इसके अलावा अलग अलग लोकेशन में भी, अगर हम गुजरात की बात करें, सौराष्ट्र का अगर एरिया की बात करें, तो हर जगह कंट्रोल रूम था। अभी भी कुछ इस तरह से कंट्रोल रूम के द्वारा कुछ मॉनिटरिंग या पूरी इस तरह की तैयारी? तो स्टेट के जो इमरजेंसी ऑपरेशंस कंट्रोल रूम है सब जगह सक्रिय हैं और उन सब कंट्रोल रूम्स में NDRF का एक प्रतिनिधि रहता है ताकि उनको हमको इतला करने में भी देरी ना हो, हमारे अफसर उनके कंट्रोल रूम में उपलब्ध रहते हैं ताकि जो भी उनकी ज़रूरत है इमीडिएटली हमारे कंट्रोल को जानकारी होती है और मूवमेंट का ऑर्डर हो जाता है। सर एक आखिरी सवाल, अभी जैसे बारिश लगातार हो ही रही है और हम देख भी रहे हैं कि आगे भी जो फोरकास्ट है बारिश और आगे होगी, फ्यूचर के हिसाब से भी NDRF की क्या तैयारी है? वो तैयारी हमारी वर्स्ट के सिनेरियो की रहती है, आने वाले समय में हरियाणा पंजाब में कल से शायद मौसम साफ है ऐसा फोरकास्ट चल रहा है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये ना भी हो फिर भी जो वर्स्ट के सिनेरियो है उसकी हमारी तैयारी हो, तो टीमों की स्ट्रेंथ ग्राउंड पे और रिजर्व में ज़रूरत से अधिक रखते हैं ताकि कोई ख़राब चीज़ भी होती है जिसका अनुमान नहीं लगाया गया था तो भी NDRF पूरी तरह वहाँ इंस्टेंट मौजूद रहे। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे NDRF के DG, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि NDRF की जो टीम है वो ग्राउंड पे किस तरह से काम कर रही है, 29 से ज़्यादा जो टीमें हैं वो NDRF की ग्राउंड पे लगी हुई हैं और इमरजेंसी के हिसाब से भी कुछ जो टीमें हैं वो भी तैयार की गई हैं, अगर स्थिति ख़राब होती है तो उससे भी निपटने की तैयारी NDRF की है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अंजू निर्वाण, TV9।